नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा धनु राशि फलादेश 15-10 से लेकर 15-11-2020। धनु राशि सेजिटेरियस की बात करेंगे, कैसा रहेगा 30 डेज का धनु राशि का पीरियड, उसके ऊपर थोड़ा विचार डालेंगे, परामर्श करेंगे। देखते हैं धनु राशि कैसी चलने वाली है ये 30 डेज के अंदर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, खुशी के समाचार, आपकी राशि फ्री हो गई है। आपकी राशि में जो सबसे भारी भरखम ग्रह चल रहा था केतु महाराज, वो आपकी राशि को छोड़ के यहाँ 12th हाउस में भ्रमण करेगा और राहु 6th हाउस में भ्रमण करेगा। 6th हाउस का राहु, 12th हाउस का केतु बलि होता है, बहुत बलवान बनता है वो। आपको जितने जख्म, जितने प्रॉब्लम, जितनी समस्या, जितने आपके लिए सब तकलीफें देखी थी आपने, वो सब का सॉल्यूशन अभी होने वाला है। वो सब का एक साथ में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि अभी जो ग्रह गोचर है वो आपकी फेवर में काम कर रहे हैं। शनि की जो 7.5 है, जो लास्ट पड़ाव है, वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, फायदेमंद माना जाता है। और आपकी राशि से सेकंड हाउस में शनि महाराज मार्गी अभी काम कर रहे हैं, तो ये महीने के अंदर शुक्र महाराज का 10th हाउस में भ्रमण होने वाला है। मंगल यहाँ वक्री होकर चल रहे हैं, ये भी आपके लिए फायदेमंद है, कोई नुकसान नहीं है आपको। बुध महाराज जो कर्म के जो स्वामी हैं और पार्टनर के स्वामी होके लाभ स्थान में चल रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा एक पॉइंट है, क्योंकि सूर्य महाराज और बुध महाराज दोनों भाग्य और कर्म के स्वामियों के लाभ स्थान में चलेंगे ये 30 डेज के अंदर। तो आपको बहुत सारे लाभ जो आपके अटके हुए थे, जो कहीं ना कहीं कोई वजह से वो काम आपका रुक रहा था, वो लाभ, वो गेन जो आप उसके लिए हकदार हो, आप रियल में वो चीज़ के लिए डिजर्व हो, तो वो हक, वो आपको अभी मिलने वाला है। वो लाभ, वो गेन जिसका आपको बेतरह इंतज़ार था, वो अभी टाइम आ गया है आपको मिलने के लिए है। तो आप थोड़ा उस तरफ ध्यान दीजिए, उस दिशा में ध्यान दीजिए जहाँ से आपके गेन, जहाँ जो आपके पैसे अटके हुए थे, वो पैसे जो लाभ आपका मिलने वाला था वो अभी मिलेगा। जो दोस्त यार है, ग्रुप सर्कल है, उसके पीछे थोड़ा ध्यान दीजिए, उधर से आपको कहीं ना कहीं कोई बड़ा काम मिल सकता है, बड़ा फ़ायदा आपके हाथ में आ सकता है। इसलिए अभी का जो टाइम है वो आपकी फेवर का माना जाएगा। ये 30 डेज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। शनि महाराज खुद मार्गी होकर सेकंड हाउस में भ्रमण कर रहे, गुरु खुद अकेले हो गए, पाप ग्रह सब निकल गए हैं, राशि आपकी फ्री हो गए, माइंड आपका पहले से रिलैक्स हुआ है। पहले जो माइंड था वो नेगेटिव था, पूरा जो काम करने जाते थे वो पूरा उल्टा होता था, सही काम किया हुआ भी वो आपसे उल्टा हो जाता था, काम बनते बनते बिगड़ जाते थे। तो ये अभी आपका टाइम वो सब निकल गया है। पार्टनर की समस्या अभी ख़त्म हो गई है, लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, या कोई भी रिलेशन से आप जुड़े हो, तो उसमें से भी जो आपको समस्या सब फेस करनी पड़ रही थी, वो समस्या सब अभी ख़त्म हो गई है। अभी पहले जितना जो एटमोसफियर ख़राब था पार्टनर के साथ, मिसिस के साथ, लव अफेयर में जो थे आप, वो किस्सा आपका ख़त्म हो गया। जो आया हुआ जो आपके पास व्यक्ति पर्सन था, वो कोई काम का नहीं था, वो आपने रियलाइज़ कर लिया है, वो खाली ईद के चांद के जैसा आपके जीवन में आया और वो चला गया। इसके पीछे आप टाइम, आपने जो बिगाड़ा है उसको अभी ध्यान मत दीजिए। अभी आगे जो काम आपके बनने वाले हैं, आगे का जो फ्यूचर है, आगे का जो टाइम है, उसके पीछे फोकस कीजिए। पीछे की सब दास्तान को भूल जाए, जो आया गया उसको जाने दो, अभी उसके पीछे रोना धोना सब बंद कर दीजिए और आगे जो टाइम आपका आने वाला है वो टाइम के पीछे ध्यान दीजिए। अभी टाइम आपकी ज़िंदगी का सुपर डुपर गोल्डन पीरियड चालू होने वाला है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, कमर कस के थोड़ा भगवान का नाम लीजिए, भगवान का शुक्रिया कीजिए कि आपको ये टाइम में से उन्होंने बहुत मदद करके आपको निकाला है, बहुत ही उनकी मेहरबानी रही है आपके ऊपर, ऊपर वाले का परवरदिगार का रहबर है आपके ऊपर, तो वो उनका बार बार शुक्रिया कीजिए, उसका आभार कीजिए, उसकी तारीफ़ कीजिए कुदरत की कि आपने हमें इस
समय से निकाला है, तो इसलिए अभी थोड़ा ध्यान दीजिए। ग्रह आपकी फेवर में है और ये महीना आपके लिए बहुत सारे तोहफे, बहुत सारे लाभ, बहुत सारे पैसे लेके आने वाला है। बड़े भाइयों से फ़ायदा होगा, बड़ी बहनों से फ़ायदा होगा, वहाँ थोड़ा कुछ मूवमेंट रहेगी। बच्चों की शादी ब्याह की बातें जो है वो भी चलने वाली है इस महीने के अंदर। बच्चे जो शादीशुदा बाकी थे उनका भी अभी कोई पॉइंट आ सकता है कि सामने से रिश्ता आ सकता है, या लड़की हो या लड़का हो आपका, धनु राशि वालों के लड़कों की बात या लड़की की बात हो रही है तो उनके लिए अभी कोई रिश्ता आ सकता है और अच्छी जगह पे वो रिश्ता सही तरीके से वो आया हुआ है, तो अभी आप उसमें बैठ सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई लिखाई के अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं स्टूडेंट के इस टाइम के अंदर, और अच्छे मार्क्स से वो उत्तीर्णीय हो सकते हैं, ऐसा ग्रह गोचर निर्देश कर रहे हैं। ऐसे और की वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।